ओके, तो अब हम पहले 3 बार ओंकारम करेंगे, फिर शुरू करेंगे, ठीक है? नाउ लव यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. ओ बच्चों, राम साईराम, साईराम, यस, अभी साईराम साईराम बेटा, साईराम. तो सारे बच्चों को सबसे पहले हम बाबा को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, सारे बच्चे. ओके, सारे बच्चे बाबा को हैप्पी बर्थडे बोलो. हैप्पी बर्थडे साईं बाबा, बोलो. हम जब भजन कर रहे थे, जब हमको प्रसाद मिल रहा था, तो हम सब बच्चों को इमेजिन कर रहे थे माइंड में कि काश हमारे बच्चे हमारे साथ होते तो उनके साथ हमको भजन करने में अलग ही मजा आता. लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग घर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं. हाँ तनिष, बोलो बेटा. यस, किसका भाई का बर्थडे है कल? मेरे भाई ओके, का बर्थडे, मैं थोड़ी सी आज है भाई कर, का बर्थडे, आज है. ओके, सॉरी आज आज तो हमारी साइड से उसको हैप्पी बर्थडे बोल देना, ठीक है? यस, तो सारे बच्चे, होता है बहुत, बहुत रोता है, तुम उसको खिलाया करो, है ना? डेढ़ महीने का तुम मैं उसके पास रहा करो, खिलाने लायक नहीं है। अभी छोटा है. अरे अच्छा ऐसे होता अच्छा चलो ठीक है ना, अब अपना माइक बंद कर लो. तो सारे बच्चे शाम को बैठ के भजन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं बाबा से, सुबह भी कर सकते हैं क्लास के बाद में, है ना? और आशीर्वाद ले सकते हैं कि बाबा हम अच्छे अच्छे काम करें और अच्छे अच्छे बच्चे बने और अच्छा अच्छा हमारा दिमाग बने और हम खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई को करें और अच्छे अच्छे कामों को करें. और आप लोग ऐसा भी कर सकते हो बाबा के बर्थडे पर कि कोई भी आपके अंदर, जैसे मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कोई गंदी आदत है, कोई भी हमारे अंदर जैसे कोई गंदी आदत होती है तो हम उसको भी छोड़ते हैं कि आज बाबा हम ये वाले काम आज से नहीं करेंगे और सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे. तो ये भी आप कर सकते हैं आज. तो अच्छे से प्रेयर करना बाबा से, बाबा को हैप्पी बर्थडे बोलना और अच्छे से आशीर्वाद लेना, ठीक है? ओके, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं. आज हमारा नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, है ना? बताया था ना मैम ने? यस, तो चलो मैं आपको आज भी शेयर करती हूँ. अभी तो हमारे असेसमेंट चल रहे थे. और दृष्टि है क्या? दृष्टि, दृष्टि बेटा, मैंने आपको वीडियो भेजने के लिए बोला था ना, फिर भी आपने नहीं भेजा. माइक खोल के बताओ. मैं भेजा था हिंदी का वीडियो मुझे नहीं मिला, आज शाम को फिर भेजना, दोपहर में भेज देना, ठीक है बेटा? ठीक ओके, है ना? जो भी पढ़ना आता है आप भेज सकते हो, है ना? हाँ, यस. यस नया बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा मीठी सारंगी 10th चैप्टर जो है ना हमारा, वो ठीक मैंने उसको पढ़ चुका है। टीका है. की यस, बारी हुई उसको आज पढ़ मैंने चुका हूँ. अच्छी देखो, अच्छी बहुत है। मोन राधिका ने भी पढ़ लिया. यस, जिसके पास बुक है वो बुक निकाल सकते हैं, ठीक है? हाँ, जरूरी नहीं कि वो स्क्रीन से पढ़ेंगे, बुक निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आज मैं सबसे पहले यशवर्धन को बोलूंगी. यशवर्धन, मैम सैरा मैम साईराम, यस सर पहले टॉपिक पढ़ना है, पाठ का नाम क्या है?
उसके बाद शुरू करना है, ठीक है? टू मिनट यस। मैम पेज नंबर 15 लिखना। साइरा मैम, मेरा नाम यशवर्धन सिंह बुनकर है। मैं कक्षा 2 बार में पढ़ता हूँ। आज मैं 5-10 मीठी सारंगी पढ़ने जा रहा हूँ। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी अच्छा। बहुत अच्छी बजाता था। एक मिनट सुनो, हमारा आज हम सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन की बोलने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं बोलना है आज, ओके बेटा? आज आप सिंपली पढ़ सकते हो। सारे बच्चों को बोल रही हूँ मैं ये वाली बात, सिंपल पढ़ना है ना। यस यशवर्धन, शुरू करो बेटा। एक बार में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, हाँ कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ बोला भी लोगों की यह बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह नहीं हुआ, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गए। बैठ गए क्या है? गए नहीं, ध्यान से पढ़ो। बैठ गया। और टाको नहीं बोलना है ना, सोच के बोलो थोड़ा सा। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा आनंद आया। 2-4 दिन यही रहिए। यह बातें सुनकर यस मैम, हाँ स्टॉप करिए यहीं पर, ठहरिए यहाँ पर, हो गया। इसके बाद में मैं बोलूंगी वेदांश प्रजापति को। वेदांश प्रजापति, वेदांश प्रजापति, यस मैम। साइरम बेटा, सारा मैम, यशवर्धन ने पढ़ा ना यहाँ तक, उसके आगे आप पढ़िए। 2-4 दिन यही ठहरिए, इसके बाद से आपको शुरू करना है। ये बातें सुनकर बोला मन ही मन पढ़ो, झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ ता नहीं है बेटा, ठा है, नहीं झूठ सकते, सारंगी मीठी जरूर नहीं बोल सकते, पर मुझे न ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। ध्यान से बोलो बेटा, थोड़ा देखकर। तब रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग yes. घर नहीं थे गए
गए, है ना, वो घर नहीं गए। यानी वही जो चौपाल, हाँ देखो एक नया शब्द आया है यहाँ पर, चौपाल। चौपाल का मतलब होता है, आपको किसी को शायद पता नहीं होगा, जो गांव होते हैं ना, गांव में बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं, मैं मुझे पता है चौतरा, हाँ उनके नीचे एक बड़ा चबूतरा होता है, उसको चौतरा नहीं बोलते बेटा यशवर्धन, उसको बोलते हैं चबूतरा, है ना, तो छाया गांव के लोग इकट्ठा होकर वहां पर बैठ जाते हैं। यस मेरे रागुड वाले घर के सामने, हाँ यस, चलिए आगे बढ़िए। आने रहा रख कर सो गया, पर भोला खोली, भोली नहीं बेटा, सही बोला, भोला है वो, भोला को चेन कहाँ था, चेन है वो बेटा, लोग नहीं बे, और सही से पढ़ो वेदांश, जब लोग नहीं में, नींद में है बेटा वो, नहीं में नहीं, नींद, नींद मतलब हम सोए हुए होते हैं ना, हमारी नींद लगी हुई होती है, उसको हम नींद बोलते हैं, नींद में, नींद में खराटे, एक नया शब्द आया खर्राटे, जब एक मिनट को वेदांश, खर्राटे का मतलब है जब हम सोए हुए होते हैं ना, और सोते हुए हमारे मुंह से आवाज निकलती है, उसको हम बोलते हैं खर्राटे। कई बार देखना आपके घर में भी हो सकता है, किसी की आवाज आती हो सोने में, या आसपास के भी आती है। हाँ क्या बेटा, भुर्रे, अच्छा भुर्रे बोलते हैं, अच्छा तब ठीक है। उसने छुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं, कुछ स्वाद नहीं, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाया, लगाकर मुंह में उड़ेला मतलब डाला है ना, सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। yes. अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। yes. वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। वेरी गुड, यस। अब मैं बोलूंगी वेदांश कुमराबत को। थैंक यू बेटा। yes,
यस, अब आप पढ़ो यहाँ से। सवेरा होने पर जब सारंगी अपने अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हो हुए। लोग कहने लोग बड़ी मीठी सारंगी कहने लगे बेटा लोग कहने लगे मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। बोला इसे इस बात को सुन क्या इस बात को ना बीच में ना भी लगा हुआ है ना सुन सका और नहीं है और मतलब ओ की मात्रा आएगी है ना और आओ की मात्रा है तो और ये बोला या खाक मीठी थी मैंने तो इसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी खुशामद करते हो। उन्होंने पूछा पर सारंगी ने कहा उसने कहा गाँव के नहर पड़ी है। लोगों बोला बोला कि ये पर सिर्फ पेट लिया। यस यस वेरी गुड थैंक यू बेटा। देखिए सारंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसकी आवाज जो है बहुत मीठी होती है ना। अब मैं आगे और बच्चों को पढ़ने का मौका दूंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए चैप्टर में है क्या। वेद साहू। यस मैम। सायरा बेटा। सायरा मैम। यस अब पढ़िए आप। मैम कहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना है? बुक है क्या आपके पास? यस मैम। यस शुरू से पढ़िए, स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ से शुरू से ही पढ़ना है आपको। एक गांव में पहले देखो हर चीज का हम टॉपिक पढ़ते हैं बेटा है ना। टाइटल क्या है शीर्षक क्या है वो पढ़ो पहले है ना। सारंगी मीठी सारंगी चैप्टर का नाम क्या है? मीठी सारंगी। यस एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने
सारंगी बजाना शुरू किया तो तब वो गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना मतलब एकत्रित होना, एक जगह पर जमा होना काफी लोगों का, है ना? यस। गए सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बाद बजाने की कला से गांव लोग गांव के लोग दंग रहो, यानी देखो दंग यानी हैरान रह गए, दंगयारी हैरान गए। आगे पढ़ो। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया वेद, प्रैक्टिस करते रहो, है ना सारे बच्चे? ठीक है, इसके बाद में मैं बोलूंगी त्रिवेणी। त्रिवेणी नहीं है क्लास में, ओके। इसके बाद मैं अब ऊपर से बोलूंगी, पांच बच्चों का नीचे से मैंने किया, अभी मैं पांच बच्चों का ऊपर से करने वाली हूँ। आराध्य श्रीवास्तव। सायरम मैम। सायरम बेटा। रीडिंग करो यहाँ से। आह कितना आनंद आ रहा है। आह कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की यह बात सुन रहा था। बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। बाद उसने सोचा, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, सब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। आनंद मीन्स मजा, है ना? आनंद मीन्स मजा। आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरी है ये बातें। यही ठहरी ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझुलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे तो ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया।
तब तक रात ज्यादा हो चुक गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे खोली यानी कवर। बेटा हम कवर चढ़ाते हैं ना किसी भी चीज पर कि वो गंदी ना हो, उस पर डस्ट ना लगे, तो खोली मीन्स कवर है ना। और अब उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। सिरहाने मीन्स सिर के पास है ना। मैम यस। पर भोला को चैन कहा था, जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उस उठकर वह सारंगी उठवा ली और ऊपर की खोली उतार। ऊपर का है बेटा, की नहीं का। ऊपर का खोली चढ़ा उतार और कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा आराध्या। अब अनाभिया पढ़ेगी। अनाभिया अनाभिया सायरम बेटा अभी बेटा अभी मैं लाइन से चल रही हूँ ना, जब आएगी तब कर लेना, ठीक है। यस अनाभिया आप पढ़ो यहाँ से। अब उसने अनाभिया, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा उधर से। नहीं आ रही है मैम, अनाभिया की आवाज नहीं आ रही। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं उससे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। अनाभिया आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अनाभिया की आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक होके आ रही है। जरा पढ़ो देखती हूँ कितनी आती है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसने छेद को मुंह पे पास लगा कर डेला। संगीत के बेटा संगीत नहीं है, सारंगी है वो, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनाभिया, थैंक यू बेटा, बहुत है बेटा इतना ही। इसके बाद में बोलूंगी अनिका जैन। तो सब लोग और सारंगी वाला बेटा यहाँ से पढ़ो। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो और सारंगी वाला बड़े बेटा डिस्टर्ब आ रहा है आपकी साइड से, कुछ टीवी वगैरह तो नहीं चल रही है पास में? अनिका डिस्टर्ब आ रहा है और आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही है आपकी।
फिर से पढ़ो। अनिका अनिका, चलिए कोई बात नहीं। अनिरुद्ध अनिरुद्ध, साइलेंट, यहाँ से पढ़ो अनिरुद्ध। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिला तो नहीं नहीं ध्यान से पढ़ो ना, थोड़ा देख कर नहीं मिली। मैं अनिका पढ़े अब बेटे, उसके अनिरुद्ध को पढ़ लेने दो, उसके बाद में अगर आपकी तरफ से डिस्टर्ब नहीं आएगा ना तो फिर आपको चांस देती हूँ, ठीक है? सारंग वाला बारे बारे दुखी हुए, दुखी हुए, दुखी हुए कहने लोग 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 बैठी मीठी सारंगी थी, बड़ी मीठी सारंगी थी। बेटा अनिरुद्ध आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने पहले ही बोल दिया था ना आपको कि रीडिंग करके रखना इस चैप्टर की, तो आपने रीडिंग किया करो, फिर मैम आपको क्लास में सिखा देगी कि कहाँ पर कैसे पढ़ना है। कम से कम वर्ड्स रीडिंग तो कर लिया करो आप लोग, है ना? पूरी रीडिंग कर रही थी, भैया को जुकाम हो रही है इसलिए चावल की नहीं निकल रही है। अच्छा चलिए ठीक है अनिरुद्ध, आगे पढ़ो बेटा। बड़ी मीठी सारंगी थी, इसके आगे क्या है ये देखो। बड़ी मीठी सारंगी थी, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो। पता पता नहीं तुमने बताया। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है अनिरुद्ध? अब मुझे अश्विता पढ़ के सुनाएगी आगे थोड़ा सा। अश्विता मैं मनिका, एक मिनट अश्विता से करवाऊं थोड़ा सा। हाँ बोला उस बात पता नहीं कौन ले गया भोला इस झूठे बात को ना सुन सका। और बेटा किसी की आवाज आ रही है, दूसरे बच्चे की आवाज नहीं आएगी, जो पढ़ रहा है केवल उसी की आवाज आएगी मुझे। मैं मनिका, बाकी बच्चे बंद रखेंगे अपने माइक को। मैं मनिका, बेटा अभी वो पढ़ रही है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना है अभी इसके बाद, ठीक है? बोला इस बात को ना सुना सका और उसे से बोला क्या थी, मैंने तो उसे उसने उसने जरा भी मीठा नहीं यस yes, अश्विता आपको भी प्रैक्टिस करना है आज इस चैप्टर की अच्छे से, ठीक है? अनिका आप पढ़ो। मेरा नाम अनिका जैन है, मैं कक्षा 2 बा में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का नाम है मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला। अनिका यस मैम, जहाँ अश्विता ने छोड़ा है उसके आगे से पढ़ना है। मैम कहाँ पे छोड़ा है? स्क्रीन पर देखो, उसमें जरा मिठास नहीं थी, यहाँ से पढ़ना है। तुम सब लोग झूठे ही झूठे हो, था वो झूठे 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 हो और बा
बाजी बाबा जी, बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद का मतलब है झूठी प्रशंसा करना, किसी की झूठी तारीफ करना, है ना। यस। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफी पर सिर पीट लिया। वेरी गुड, बस यही तक पढ़ना है निका। अब हमारा टाइम हो गया है, अब हम कल करेंगे आगे का। साइरम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी रीडिंग की और कुछ बच्चों को कल प्रैक्टिस अच्छे से करके आना है, ताकि हम पूरा अपना इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और मैं बीच बीच में से भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। मैम इसके बाद कल मेरा चांस आएगा। हाँ आगे बढ़ेंगे ना हम। हाँ उसके बाद में हम पूरे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपको तो आंसर बताना है, इसलिए पूरे चैप्टर को समझना है आपको अच्छे से, सारे बच्चों को, है ना मेरा। ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, नंबर से चलेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, सबके चांस आएंगे। रीडिंग की वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आंसर भी समझ लेना, क्योंकि मैं आपके से आंसर पूछने वाली हूँ कल। ठीक है, ओके। आज मैं कठिन शब्द आपको भेज दूंगी तो आप लिख लेना, ठीक है। यस यस मैम। रेडी फॉर शैम्पू पार्ट। शांति साईराम, बाय बाय।